हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अलका स्पेशल किचन में आपका फिर से स्वागत है। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आज हम आपके लिए ले रही हूँ ठंडा ठंडा पपाया का जूस की रेसिपी। तो फ्रेंड्स आइए हम बना लेते हैं पपाया का जूस। पपीता का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पपीता लिया है, इसको मैं छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। इस तरह हम पपीता को छील लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए मैंने पपीते के छिलको उतार लिए हैं। अब चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इसी तरह हम सारे पपीतों को कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पपीतों को कट कर लिया है। अब चलिए इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम पपीता को मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने पपीता को पीस लिया है। अब इसके अंदर हम दूध डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से दूध कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब चलिए इसको हम एक बार फिर और चला लेते हैं। ये देखिए मैंने दूध डाल के इसको भी पीस लिया है। अब इसके अंदर हम मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट अब और भी अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे, तो मैं यहाँ एक कटोरी चीनी डालूंगी। आप चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको मैं एक बार और चला लेती हूँ। ये देखिए हमारा पपीता का जूस वो बन के तैयार है। अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं पतीले में। ये देखिए हमारा पपीता का जूस अब बनके तैयार है। आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको